देखो एग्जाम्पल देखो, अब देखो अगेन ए प्लस बी माइनस एक्स लगाया, ठीक है, तो क्या जाएगा, ये 0 से π/2 साइन बन जाएगा, π/2 − x cos x, साइन बन जाएगा कोस एक्स, कोस बन जाएगा साइन एक्स, तो ये बन जाएगा कॉस क्यूब डिवाइडेड बाय साइन प्लस कॉस डीएक्स, डिनोमिनेटर सेम ऐड कर दो, तो 2i इक्वल टू क्या आया, इंटीग्रेशन 0 से π/2 साइन क्यूब प्लस कॉस क्यूब डिवाइडेड बाय साइन प्लस कॉस, हाँ है ना, राइट, डीएक्स, तो ऊपर a³ + b³, तो साइन प्लस कॉस इंटू साइन स्क्वेयर प्लस कॉस स्क्वेयर माइनस साइन कॉस डिवाइडेड बाय साइन प्लस कॉस, साइन प्लस कॉस साइन प्लस कॉस कटा, डीएक्स इंटीग्रेशन, तो ये 1 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ये बन गया माइनस साइन 2x/2, ठीक है, डीएक्स इंटीग्रेशन 0 से π/2 2i, दैट इज इक्वल टू दिस, तो 1 का इंटीग्रेशन x माइनस साइन का इंटीग्रेशन माइनस, तो प्लस कॉस 2x/2 2 2 4, 0 से π/2 π/2 पुट किया, π/2 प्लस π/2 इधर पुट करके cos π होता -1, तो -1/4 माइनस 0 पुट करके 0 cos 0 1, तो 1/4 ये आ गया 2i, तो i की वैल्यू क्या आएगी, π/2 − π/4 − sorry −1/4 − 1/4, दैट इज −1/2, तो π/2 − 1/2 का 1/2, ठीक है, 2i की वैल्यू 2 से और डिवाइड हो जाएगा, क्लियर हुआ, ऑनलाइन प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ, यस राइट, यस सर, राइट, सिक्स्थ, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके अंदर तुम्हारा प्रॉपर्टी लगाने के बाद, ठीक है, कुछ बचेगा,
ऐसा नहीं सब कुछ कट जाएगा, ठीक है। तो ये अगर आई है तो देखो ए प्लस बी क्या जा रहा है, सबसे पहले पाई, तो पहले ऊपर देखो प्लीज देख लो यहां पे क्या जा रहा है, ए प्लस बी पाई, तो क्या बन जाएगा आई की वैल्यू माइनस पाई बाय सिक्स से सेवन पाई बाय सिक्स, एंड इधर क्या आ जाएगा पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाय फोर माइनस कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स डीएक्स, राइट। तो ये बन गया इंटीग्रेशन माइनस पाई बाय सिक्स से लेके पाई सेवन पाई बाय सिक्स, ये पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स डिवाइडेड बाय फोर माइनस माइनस कॉस एक्स का स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स, ठीक है। अब ध्यान से देखो ये बन गया सेवन, मतलब इंटीग्रेशन एक्स वाली चीज अलग कर दी, एक्स साइन एक्स डिवाइडेड बाय सॉरी पाई साइन एक्स, पहले पाई साइन एक्स बाय फोर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस इंटीग्रेशन क्या आएगा माइनस एक्स साइन एक्स, तो माइनस बाहर एक्स साइन एक्स बाय फोर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, हाँ है ना। अब ध्यान से एक चीज चेक करो, ये तो ओरिजिनल क्वेश्चन बन गया, यानी कि ये तो आई वन आई वन आई, तो ये इधर आई था है ना, ये आई लेके जा रहे हैं, तो ये आई इधर आके क्या हो जाएगा टू आई, तो टू आई की वैल्यू क्या आ रही है, इसका पाई बाहर आया, ये पाई बाहर, इंटीग्रेशन माइनस पाई बाय सिक्स से लेके सेवन पाई बाय सिक्स साइन एक्स डिवाइडेड बाय फोर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स, आई होप क्लियर हुआ। तो ये प्रॉपर्टी लगाने से हुआ क्या, ध्यान से देखो यहां पर दो टाइप के फंक्शन थे, ट्रिग्नोमेट्रिक एंड अलजेब्रिक, हाँ है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक एंड अलजेब्रिक। तो ये प्रॉपर्टी लगाने के बाद क्या हुआ, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक बचा, अलजेब्रिक पार्ट खत्म हो गया। कैसे, अलजेब्रिक पार्ट जो बचा वो वापस आई बन गया, तो आई के साथ मिलकर टू आई हो गया, तो सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक बचा। तो ये होती है सिंप्लीफिकेशन, इस तरीके से ये हमारी हेल्प कर रहा है। अब यहां पे अगर यूवी रूल लगाने की कोशिश कर रहे तो हो सकता ना ही हो, बट प्रॉपर्टी ने क्या किया, इसको सिंप्लीफाई कर दिया। अब इसके अंदर क्या करना है, कॉस एक्स को टी लो, ऊपर डीटी है, राइट, तो डीटी बाय फोर माइनस टी स्क्वायर, अपना फॉर्मूला लगाओ, इंटीग्रेशन करो। आई होप क्लियर हुआ, श्योर, ऑनलाइन क्लियर हुआ, यस सर, राइट, नोट कर लो, नोट कर लो। देखो देखो ये तो बॉक्स एक्स है ना, तो इसका ग्राफ देखो क्या होता है, ये वन तक, ये टू तक, ये थ्री तक, ये फोर तक एंड ये फाइव तक, तो हाइट वन टू थ्री फोर, तो यहां पे क्या जाएगा वन इंटू वन, रेक्टेंगल का एरिया ना, वन इंटू वन वन, इधर तो जीरो, इधर टू, इधर थ्री, इधर फोर, ऐसे जाएगा, राइट, क्योंकि बेस तो वन ही है, हाइट देखेंगे हम बस, तो वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर दैट इज टेन, टेन इज आंसर फर्स्ट का, क्लियर है, ऑनलाइन प्लीज कंफर्म करो क्लियर हुआ, यस सर, राइट। अब ये फ्रैक्शनल पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर ये ऐसे है ना, तो ये वन टू, तो ध्यान से एक चीज चेक करो कि ये एरिया आएगा इसका, ये एरिया आएगा इसका, तो अगर टू तक जा रहा हो तो दो ट्राइंगल बनेंगे, तीन तक जा रहा हूं तो तीन ट्राइंगल बनेंगे, ऐसे एन तक जाना है जीरो से एन, तो एन ट्राइंगल बनेंगे। अब एक ट्राइंगल का एरिया क्या है, हाफ इंटू बेस वन इंटू हाइट वन, तो दैट इज हाफ, तो एक का एरिया अगर हाफ है तो एन का एरिया क्या जाएगा एन बाय टू, तो इसका आंसर क्या था एन बाय टू, हाँ जी प्लीज कंफर्म करो क्लियर हुआ ऑनलाइन, यस सर, चलो होमवर्क नोट कर लो, वी आर डन, कल मिलते हैं।